चलिए, इसमें हम आपको सेंसा, मदन, गिरधर, कासू, इस का बाद में है चार आदमी, इस चारों का हम आपको क्या बताने वाले हैं, चरित्र चित्रण बताने वाले हैं। कौन सा क्या चीज बताने वाले हैं? चरित्र चित्रण। क्या बताएंगे? चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण मतलब क्या होता है समझिए, चरित्र मतलब उसका चाल भाव, रहन सहन, ठीक है। चरित्र चित्रण का मतलब चाल भाव, रहन सहन, ठीक। चलिए, तो सेन साहब था, आपको हम बता दें सेन साहब कैसा आदमी था, याद रखना। इस समय से आपका ये तीनों वीवीआई नहीं रखने वाला, वीवीआई इसका रखेगा। इस ससुरा के बारे में बड़ा पूछता है, जिसका नाम है कासू के बारे में आपको चरित्र चित्रण अगर करने के लिए कहा तो इसी का कहेगा। कहे कि सबसे बड़ा उदंडे, याद रखना, उदंडे आदमी सबसे अच्छा आदमी बाद में जाके बनता है। जो सबसे बड़ा अभी उदंड होगा ना, वह आदमी बाद में जाके अच्छा आदमी बनता है, है ना। तो यहाँ पर यही है, ठोकर खाते खाते ही ससुरा है ना, बाद में अच्छा आदमी बनता है, लेकिन ताले इसका समय बहुत बीत जाता है, लेकिन अच्छा आदमी बाद में बनता है बेचारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सेन साहब है, और सेन साहब क्या है, सेन साहब है, और सेन साहब एक नंबर के घमंडी आदमी है। कैसे आदमी है? एक नंबर के घमंडी है, और दौलत का घोंस है इनके पास। दौलत के क्या है? घोंस है, दौलत का घोंस है, और दौलत का घोंस है। इनका कहना है कि हम अपना पैसा से, हम अपना रुपया से, हम अपने पैसे रुपया से हम क्या करेंगे, हम अपना पैसा रुपया से जमीन जायदाद तो खरीद लेंगे, कोनो आदमियों को खरीद सकते हैं, इनका सोच ये है, जिनका नाम है सेन साहब। तो सेन साहब का चरित्र कैसा है समझ में आया? यह एक नंबर के घमंडी है, और एक नंबर के घमंडी है, और क्या है, दौलत का इनके पास धौंस है, और ये चाहते हैं कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, कुछ भी, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम दौलत से नहीं खरीद सकते, इस तरह का इनको जो है कि घमंड है। मदन जो है, मदन एक छोटा लड़का है, यहाँ इस कहानी में वही 5 से 6 साल का लड़का है, ये कितना साल का है, 5 से 6 साल का मात्र लड़का है, जो कि गिरधर के लाल है, मतलब गिरधर के बेटा है, गिरधर के बेटा है, जिनका नाम है मदन। और मदन जो है अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, पिता के आज्ञाकारी पुत्र है, और पिता के बात से ही क्या करता है, अपना बात कहने से पहले ही अपना काम कर लेता है। मदन जो है बहुत ही शांत स्वभाव का बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर गिरधर के बारे में आइए, गिरधर जो है सेन साहब के फैक्ट्री में, यानी कि इनके फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में, किसके फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में क्या है, एक किरानी है, एक क्या है, किरानी है, एक किरानी है, सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर जो है एक किरानी है, और किरानी का काम करते हैं, यानी कि किरानी का काम करते हैं, जिनका नाम है गिरधर, और इनके पास एक पत्नी है और एक बेटा है, और उसी में छोटा सा घर है, उसी में क्या है, गिरधर खुश है। अब हम आते हैं कासू के पास। कासू जो है एक अमीर बाप का, यानी कि सेन साहब का, किसका, अमीर बाप का बोले तो सेन साहब का, किसका, अमीर बाप बोले तो सेन साहब का इकलौता पुत्र है, जो कि बहुत बड़ा उदंड बालक है, इतना ज्यादा उदंड है कि अपने माँ बाप के भी बात नहीं मान रहा है, बहुत बड़का उदंड है, ठीक है। ये आसपास के इससे, मतलब इस लड़का से, यानी कि कासू से, इसके गांव के ही, घर के ही नहीं बल्कि गांव के भी, गांव के आसपास के लोग भी क्या है, परेशान है इससे कि काश इस ससुरा मरिए जाता, इस चट्टा, मतलब जन्म लिया है, और जन्म लेकर के क्या है, बाप का नाम खराब कर रहा है, बाप इतना बड़ा आदमी है, इतना जो है कि इसके पास धन संपत्ति है, ससुरा यदि काम करता तो बनिया जो है कि पैसा कमाता, लेकिन इस ससुरा है क्या, बहुत बड़का उचक्का है, बहुत जो है कि क्या है, मतलब बहुत बड़का उदंड बालक है, अपने माँ बाप का भी बात नहीं मानता है, किसका बात नहीं मानता है, माँ बाप का भी नहीं बात मानता है, तो दुनिया का बात क्या मानेगा, जिसका नाम है कासू।
जिसका नाम है कासु। और कासु जो है हमेशा किसी मतलब दूसरे लोगों से हमेशा किसी दूसरे से टंटा खोजता रहता। टंटा बोले तो झगड़ा, झगड़ा लड़ाई खोजता रहता। और ये हमेशा जो है कि अपने मम्मी पापा के यहाँ क्या है उलहन पड़तर है ना, हमेशा जो है कि उलहन पड़तर अपने मम्मी पापा का जो है कि मम्मी पापा के इसको लोग सब आके कहता रहता है कि आपका बेटा ये कर दिया है, ये तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया है, हल्ला चीज कर दिया है, हमारा बेटा के मार दिया है। माने वही ढंग से उचक्का गिरी जिसका जिसको कहते हैं उचक्का गिरी में ही कम नहीं है बल्कि नंबर वन है ना, जिसका नाम है कासु। बहुत बड़का उचक्का है।